और उड़ता है और वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम वियोला है। वो चलना शुरू करते हैं और एक क्लिफ के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो एक स्पाइकर्स के गांव को देखते हैं। टॉड वियोला और भौंकते हुए मंची को साइड में छुप कर आता है। वो दूर भागते हैं और गलती से खाने की तलाश में एक अकेले स्पाइकर के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग छुप जाते हैं लेकिन डरे हुए टॉड की नॉइस बहुत तेज होती है। वो अपने नॉइस को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन स्पाइकर्स उसको देख लेता है। वो टॉड पे कूद के उसे दूर से खींचना शुरू करता है। टॉड खुद को उससे दूर करके अपने आप को नाइफ से गार्ड करता है। फिर वो स्पाइकर पे अटैक करता है लेकिन वो उस पर उल्टा वार करता है। फिर वियोला उस स्पाइकर की आमने सामने आती है और वही क्रिएचर जिसके बारे में वियोला को बताया गया था कि उसने पेरेंटिस टाउन की सारी औरतों को खत्म कर दिया है। वो स्पाइकर वियोला की तरफ हैरान होकर देखता है। टॉड स्पाइकर पे वार करके उसको बार बार स्टैप करता है। वियोला चिल्लाती है और टॉड को रोकने को बोलती है। टॉड रुक जाता है। अब स्पाइकर टॉड से बच के भाग जाता है। बाद में टॉड वियोला को बताता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन वियोला उसे बोलती है कि स्पाइकर ने सिर्फ तुम पे अटैक किया, मुझ पे बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। टॉड मेयर की बात याद करता है जो पेरेंटिस टाउन में हुआ लेकिन वियोला उस बात पे शक करती है। वो दोनों फिर फायर ब्रांच ढूंढ लेते हैं। वो फायर ब्रांच के बाहर पहुंच जाते हैं और टॉड नोटिस करता है कि फायर ब्रांच पेरेंटिस टाउन से बेहतर है। उनका एक लाइफ स्टाइल है, प्लांटेशन है, मशीनों वाली फार्मिंग इक्विपमेंट है। टॉड ये देखकर हैरान हो जाता है कि फायर ब्रांच में महिला है और कुछ तो उसको बहुत अच्छी लगती है। टॉड की मेयर हिल्डी उससे मिलती है और टॉड औरत को एक मेयर देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है। फिर टॉड बहुत से आदमियों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि पेरेंटिस टाउन की आदमी लॉ के अकॉर्डिंग यहां फांसी लटकाए जाते हैं। अब इससे पहले की सिचुएशन बिगड़ती हिल्डी वहां आती है और टॉड को उसका नाइफ लटा देती है और बोलती है कि वो उस पर नजर रखेगी। वियोला और टॉड हिल्डी से बात करते हैं। हिल्डी उन्हें बताती है कि अब उनके पास आने वाले स्पेसशिप से कम्युनिकेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वियोला बोलती है कि उसे शिप से कांटेक्ट करना ही है क्योंकि अगर उन्हें प्लेनेट से कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसे अकेला छोड़ के वहां से चले जाएंगे। और वो टॉड की नॉइस सुन लेती है जो ये विश करता है कि काश वियोला प्लेनेट में रह जाए। हिल्डी उन्हें हेवन जाने का सजेशन देती है जो एक और सेटलमेंट है। अब हिल्डी को लगता है कि वहां उन्हें स्पेसशिप से कांटेक्ट करने का रास्ता मिलेगा। टॉड ये जान के सरप्राइज हो जाता है कि न्यू वर्ल्ड में एक और सेटलमेंट है। वियोला बोलती है कि वो और टॉड सुबह हेवन जाएंगे। टॉड की नॉइस उसका वियोला के रुकने का डिजायर बताती है। फिर वो टॉड की नॉइस में वियोला की आवाज सुनते हैं जो टॉड को उसे किस करने को बोलती है। वियोला बेइज्जती महसूस करती है और गुस्से में बाहर जाती है। टॉड को नींद नहीं आती और वियोला के पास जाता है जिसे सेम परेशानी हो रही है। वियोला देखती है कि टॉड अपनी माँ का जनरल आया है। वियोला उसके लिए उसकी माँ का जनरल पढ़ के बताने की ऑफर देती है क्योंकि टॉड ने कभी पढ़ना नहीं सीखा। वियोला और टॉड को जनरल के जरिए पता चलता है कि जो सब मेयर डेविड ने उन्हें बताया वो सब झूठ है। ऐसे पता चलता है कि पेरेंटिस टाउन के आदमी धीरे धीरे औरतों के प्रति से नफरत करने लगे क्योंकि उनके नॉइस से उनके थॉट्स रिवील होते गए। डेविड और एरन साथ मिलकर पेरेंटिस टाउन की औरतों का विरोध करने लगे। एरन ने यह डिक्लेयर किया कि औरतों की कोई नॉइस नहीं है क्योंकि उनकी आत्मा नहीं है और अपनी लास्ट एंट्री में टॉड की मां लिखती है कि वो हमेशा टॉड से प्यार करेगी। टॉड इस बात को रियलाइज करता है कि वहां के आदमियों ने औरतों को मारा है, स्पाइकल्स ने नहीं। वो गुस्से में बाहर जाता है और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है। अब कुछ ही देर में पेरेंटिस टाउन का एक आदमी वहां आता है। फायर ब्रांच के लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं पर यह बात साफ है कि उनके पास गने भी कम है। कुछ आदमी अपनी गन रख लेते हैं ये सोच के कि अगर वो लड़े तो हार जाएंगे। टॉड वियोला और मंची के पास आता है और वो छुप के शहर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बदकिस्मती से एरन उनको देख लेता है और टॉड और वियोला एक बांध में खड़े हो जाते हैं। डेविड उनके पास आता है और बैन को बाहर बुलाता है जो टॉड को कन्विंस करता है कि वो उस लड़की को सरेंडर कर दे। बैन एंटर करता है और टॉड से दोबारा मिलता है। टॉड उसे बोलता है कि वो सच जानता है कि पेरेंटिस टाउन की औरतों के साथ क्या हुआ और बैन उससे माफी मांगता है कि उसने और किला ने टॉड से झूठ बोला। वो बोलता है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया लेकिन वो सच छुपाने का अच्छा रीजन नहीं देता। फिर बैन टॉड और वियोला को भागने में मदद करने का ऑफर देता है। बैन बाहर निकलता है और वियोला उसका पीछा करती है। वियोला फिर डेविड की तरफ चलती है और अचानक से गायब हो जाती है और बैन ने डेविड को बेवकूफ बनाया क्योंकि उसने अपनी नॉइस से वियोला की मैनिफेस्टेशन की थी। अब टॉड मंची और वियोला रिवर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन एरन भी वहां पहुंच जाता है। वो एक बोट में बैठ के उसे पैडल करते हैं लेकिन एरन अपने घोड़े के साथ नदी में घुस जाता है और उनके पीछे पहुंचता है। एरन नदी में उनकी बोट तक पहुंच जाता है और वियोला को पानी में खींच के उनकी बोट पलट देता है और मंची और वियोला पानी में गिरते हैं और टॉड को वियोला पकड़ के रखती है क्योंकि उसने कभी तैरना नहीं सीखा। अब टॉड और वियोला पकड़ी भी बोट के पास पहुंच जाते हैं लेकिन टॉड देखता है कि एरन ने मंची को पकड़ लिया। वो मंची को अंडर वाटर पकड़ता है और उसको डुबा देता है। टॉड गुस्से में चिल्लाता है जब वो अपने प्यारे मंची को सांस लेने के लिए तड़पता देखता है और टॉड और वियोला कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं और वियोला टॉड को उसकी नॉइस छुपाते हुए सुन लेती है जो मंची के ख्यालों से भरी हुई है। वो चलते रहते हैं और टॉड कसम खाता है कि वो मंची का बदला जरूर लेगा। वो दोनों जंगल के ऊपर एक स्ट्रक्चर पर पहुंच जाते हैं और वियोला को अपने शिप के ब्लूप्रिंट्स उस स्ट्रक्चर पर दिखते हैं जो मोनोरेल ट्रैक के लिए होते हैं। फिर वो टॉड को शांत बैठा देखती है और उसकी नॉइस हंसते हुए मंची को मैनिफेस्ट करती है जो ऊपर नीचे कूद रहा है और भौंकता है और खेतों में भाग रहा है। अब टॉड के मंची से बिछड़ने पे वो बहुत ही उदास हो गया है और उसे ऐसा देख वियोला उसके पास बैठती है और उसे बोलती है कि उसे मंची बहुत पसंद था। वो ये भी बोलती है कि वो जितने भी डॉग्स को जानती है उनमें से मंची बेस्ट डॉग था। टॉड कहता है कि मंची इकलौता डॉग है जिसे वो जानता था और वियोला उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि वो एक अच्छा आदमी है। फिर वो हंसते हुए टॉड को बताती है कि वो उसको किस नहीं करने वाली। फिर वो चलते हैं और एक मैसिव शिप के रिमेंस के पास पहुंच जाते हैं। अब टॉड सोचता है कि ये वो शिप है जिसमें इनहेबिटेंट्स की फर्स्ट वेव आई थी। वियोला फिर शिप में जाकर कम्युनिकेशन बेकन ढूंढने का सोचती है जिससे वो सेकंड वेव की शिप को सिग्नल दे। वो वेसल में चढ़ते हैं और वियोला को एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन बेकन मिलता है। वो उसे पावर अप करके शुरू करती है पर उसकी एंटीना डिस्कनेक्टेड है। टॉड ऊपर चढ़ के एंटीना रिकनेक्ट करने का फैसला करता है लेकिन डेविड उसको देख लेता है। पेरेंटिस टाउन के आदमी वहां के शिप को हर तरफ से घेर लेते हैं और टॉड सक्सेसफुली एंटीना रिकनेक्ट करता है। अब बेकन तैयार है पर इससे पहले कि वियोला उसको ऑन करती एरन वहां के वियोला को दूर खींचने लगता है। उसी समय डेविड टॉड को बाहर बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने खुद को रिवील नहीं किया तो वो बैन को गोली मार देगा। दूसरी तरफ एरन वियोला को पिन करके कन्फेस करता है कि उसने कितनी सारी औरतों को मारा वो भी बिना कोई मर्सी दिखाए। नॉइज ने उसे करप्ट करके उसका दिमाग खराब कर दिया है और वो अब चाहता है कि वियोला उसको मार दे ताकि वो अपने सारे पाप से धुल जाए। वियोला अपने जेब से एक फायर स्टार्टर डिवाइस निकालती है और उसे एरन पे फेंक देती है जिससे वो आग में जाके मर जाता है। वियोला कंफ्यूजन को दूर करके बेकन को ऑन करती है और टॉड बाहर डेविड का सामना करता है लेकिन वो वियोला की लोकेशन उसे छुपा के रखता है। फिर डेविड बैन को गोली मार देता
है और टॉड बैन की तरफ भागता है, लेकिन उसकी इंजरी बहुत बड़ी है। अब बैन एक नाइफ निकाल के टॉड को देता है। टॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके डेविड पे वॉर करता है, लेकिन डेविड टॉड पे अटैक के काउंटर करता है। अब टॉड को धक्का लगता है और वो गिरता है। बेकन ट्रांसमिट करता है और टॉड छुपने के लिए भागता है, लेकिन डेविड उसको शूट करता है। टॉड शिप के मेटल के हिस्से में छुप जाता है और डेविड को पास से गुजरते देखता है। वो डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो डेविड की नॉइज की इल्यूजन थी। डेविड फिर टॉड को अपनी नॉइज से कंफ्यूज करके उसको खींचता है। टॉड एक बड़ी सी डीप ओपनिंग के पास धकेला जाता है और डेविड उसे गन पॉइंट पे पकड़ता है। अब जितने भी स्ट्रेंथ टॉड के पास बची होती है वो उसे अपनी नॉइज की मदद से अपनी माँ का इल्यूजन बनाता है। डेविड टॉड की माँ और बाकी औरतों का इल्यूजन देखकर डर जाता है और खुद को एज की तरफ अनजाने में लेके चला जाता है। वियोना उस इल्यूजन का फायदा उठाकर डेविड को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। फिर टॉड स्पेसशिप के अंदर उड़ता है और उसकी चोट हील हो चुकी है। वो और वियोना शिप की खिड़की के पास खड़े होते हैं और सेटर्स की दूसरी वेव को अनलोड कर देते हैं। टॉड और वियोना होप के साथ नई सेटलमेंट को बनता देखते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर